दो दो लोकसभा सीटों की स्थिति आगे दिखाई देना शुरू होगी। अंशिका, जब पहले राउंड की वोटिंग शुरू होगी तब से लेकर आखिरी राउंड की वोटिंग तक, यानी पहले रुझान से आखिरी परिणाम तक, हर आंकड़ा आपको सटीक तरीके से आपके स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। इसलिए बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ये पूरी टैली हमारी टीम ने तैयार की है, ताकि आपको एक बार में देखने में ही समझ में आ जाए कि आखिर इस बार जनता ने जनादेश किसे दिया है, किसके पक्ष में जा रहा है लोकसभा चुनाव का ये परिणाम, और सारी इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की 8 बजे से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। काउंटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे और कहां कितनी सीटें, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी सीट बड़ी और हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या हो रहा है, तस्वीर सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ेंगे और आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि किसके कार्यालय में जश्न का माहौल है तो कहां मायूसी छा रही है। तो शुरुआत करेंगे और पहले आपको 20 हमारे रिपोर्टर्स से मिलवाते हैं जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और क्या रहेगी ग्राउंड जीरो की स्थिति बताने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम अपने रिपोर्टर्स का करा देते हैं जो अब से कुछ ही देर में अपडेट देना शुरू करेंगे। जब तो ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, भोपाल से सीधे सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे, जबलपुर से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा काफी हाई प्रोफाइल सीट है आशीष, और यहां से देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या चल रहा है फील्ड पर। बिल्कुल निश्चित रूप से, और विवेक बंटी साहू के लिए यहां पर कड़ी चुनौती है। चुनौती दरअसल ये छिंदवाड़ा के लोगों के लिए है कि उन्होंने किसे चुना है और किसे नहीं, इस पर दिलचस्प अभी बातचीत चल रही है। बैतूल लिए चलेंगे, बालाघाट आपको लिए चलेंगे, होशंगाबाद से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मुरैना और भिंड से, सागर, खरगोन, खंडवा, राजगढ़ और गुना से भी हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में इस पर लाइव अपडेट देना शुरू होंगे जब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बात करें रीवा और सतना की तो वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है ये भी घटनाक्रम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ धार लिए चलेंगे, दमोह, टीकमगढ़ से भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। ये पूरी रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में लाइव अपडेट आना भी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कुछ अपडेट लेने के लिए दिल्ली भी चलना पड़ेगा अंशिका, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी है और दिल्ली में जो स्थिति रहेगी, चूंकि सभी के प्रमुख जो नेता हैं वो दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे और दिल्ली भी लिए चलेंगे, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भी उन सीटों पर आपको बताएंगे हाल, क्योंकि 11 सीटें हैं और पिछली बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें थी, इस बार कौन जीत रहा है और किसे जनता ने नकारा, ये भी दिखाना महत्वपूर्ण होगा। अभी प्रमुख टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर्स हमारे, ये वो तमाम रिपोर्टर्स छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो सीधे ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, खजुराहो से, सीधी से, शहडोल से, मंडला से, विदिशा से, रायपुर से, रतलाम से, मंदसौर, उज्जैन, देवास, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, दुर्ग, जांजगीर चांपा से, यहां से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि फील्ड पर इस वक्त क्या चल रहा है। आशीष, आज का नजारा तो सीधे ग्राउंड से ही आएगा, देखना होगा कि आज मंगलवार है तो किसके लिए ये मंगल साबित होगा और किसके लिए अमंगल होगा। मैं देख रहा हूं ये आंधी है, एनडीए सरकार 400 पार, एक सीट के अलावा सब सीधे जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो, हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का बरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर।
बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं 347 तक हम अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे करो भाई, आजो भाई। तो जैसा कि अंशिका ने कहा कि आज है मंगल और मंगल के दिन किसका हो रहा है मंगल और किसके भीतरघात होगी दंगल, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा अंशिका परिणामों पर। जब परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी तो रुझान आने शुरू होंगे और रुझानों से ही दरअसल न सिर्फ लोगों का बल्कि नेताओं का भी एक्साइटमेंट काफी जुड़ा हुआ रहेगा। आज तो मैं कहती हूँ कि तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े वीवीआईपी नेता, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। ये देखना होगा कि रिजल्ट्स जब आएंगे तो फिर कैसा माहौल होगा, क्योंकि नजर सबकी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर थी। 365 डेज किसी राजनीतिक दल ने काम किया तो किसी ने एकदम जी जान लगाकर ग्राउंड जीरो पर। हमने नेताओं के वो अवतार भी देखे जिसमें वो कभी नजर आए भी नहीं है और अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार का सिलसिला हमने देखा। तमाम वो बड़े दिग्गज जो शायद कभी गए भी नहीं, लेकिन इन चुनावों में वहां पर वो नजर आए। और वो बातें सबसे अहम हो जाती है कि पॉलिटिक्स का जो एक नया चेहरा है, नई तस्वीर है। बड़ी बड़ी बातें चुनावी सभाओं में की गई नेताओं की तरफ से, लेकिन उन बातों का असर कितना हुआ है जनता पर, ये कुछ ही समय बाद पता चलेगा। हालांकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, औपचारिक रूप से वो परिणाम, वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे अंशिका। और भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीन जो बिंदु हैं समय के, उन बिंदुओं पर अगर बात करें तो भूत क्या था, भविष्य क्या होगा और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हम आपको अपडेट देंगे। अंशिका ने अभी भूत की बात की, अभी वर्तमान की बात करेंगे और हमारे कुछ सहयोगी अंशिका जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी अपडेट लेंगे। बिल्कुल, विनीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े भोपाल से और साथ ही वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजगढ़ से। तमाम और भी सहयोगी हमारे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हाल जानेंगे। विनीत, क्या चल रहा है दिल्ली में काउंटिंग से पहले? जी अंशिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना। साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में एक अपना तरह का कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर सेलिब्रेशन की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देख रह सकते हैं हमारे कैमरे पर, आप देख सकते हैं कि पूड़िया जो है वो यहां पर तली जा रही है और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर लड्डू की भी बनाने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हलवा है, बूंदी है और पूरी तरह से यहां पर जो तैयारी जो है वो बीजेपी अपनी ओर से की जा रही है, कर रही है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि जिस तरह से 2014 में जीत हासिल हुई थी उसका 2019 में जीत हासिल हुई थी और उससे बड़ी जीत जो है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी और इसी को
लेकर के। हालांकि सुबह सुबह पूरी हलवा और आप ऐसी चीजें दिखा रहे हैं विनीत की मुंह में पानी आ जाए इंसान के, और नेता तो इंतजार कर रहे होंगे कि भैया जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम अपना व्रत खोलेंगे आशीष। और अब ये पूरियां जब हम देख रहे हैं तो समझ में आ सकता है कि एक्साइटमेंट कितनी हो रही होगी आज। निश्चित रूप से, और काफी लोग लगे हुए हैं और पूरा जो भंडारा है वो तैयार है विनीत, और भंडारे को देखकर जैसा कि अंशिका ने कहा बिल्कुल वही स्थिति मेरी भी है और खुशबू हम यहां तक महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में किसे जनता ने आशीर्वाद दिया, उसकी खुशबू कहां तक पहुंच रही है। युगल तिवारी के पास चलेंगे, रायपुर चलते हैं। रायपुर में युगल क्या चल रहा है, मूवमेंट कैसी है, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए आशीष, बिल्कुल अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है, बिल्कुल जितने भी आला अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं। और मैं सीधी तस्वीर यहां से मतगणना केंद्र रायपुर से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सभी यहां पर आ चुके हैं और अपने अपने जो दायित्व है उसका सीधा वो निर्वहन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मतगणना का काम है वो शुरू होगा, पहले बैलेट पत्र की गिनती है वो शुरू होगी, उसके बाद जो है ईवीएम है वो खुलेगा। तो ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि यहाँ किस तरह की तस्वीर है, पूरे 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात किया गया है। 30 कंपनियां हैं अलग अलग, जो 94 सेंटर है जहां पर काउंटिंग होगा, तो 30 जो कंपनियां हैं लगाई गई हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में बल है वो लगाया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की पूरे सीटों की बात करें, 2014 में जो चुनाव हुए थे तो उसमें अगर हम बात करें तो दो सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, एक कोरबा का सीट है और एक आपके बस्तर का सीट है। तो देखना होगा कि 9-2 की स्थिति थी तो अब क्या होता है, क्या बस्तर की जनता किस तरह से क्या कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं या फिर कोरबा की जनता फिर से रिपीट करते हैं। इसके अलावा दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ साथ दिग्गज बीजेपी नेताओं के भविष्य है उसका जो बिल्कुल, और एग्जिट पोल्स भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, और एग्जिट पोल्स के हिसाब से देखना होगा कि आज क्या वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होंगे या फिर कुछ एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े भोपाल से। प्रशांत, भोपाल में क्या चल रहा है काउंटिंग से पहले? 8 बजे वो काउंटिंग शुरू होगी, हालांकि 8 बजे पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी, जैसा कि चुनाव आयोग ने बताया है। दरअसल 29 जिले ऐसे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट से काउंटिंग होगी, 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके बाद वहां 8:30 बजे से इसके बाद जो ईवीएम मशीन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 23 जिले ऐसे हैं जहां पर पोस्टल वैलेट से काउंटिंग नहीं होनी है तो फिर वहां सीधे 8 बजे, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि दंगल भी होगा और मंगल भी होगा, भूत और भविष्य दोनों की बात मध्य प्रदेश में होने जा रही है, चूंकि दोनों सियासी दलों को अच्छे नतीजों का इंतजार है। बीजेपी जहां इस बार एक सीट जो 2019 में भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी यानी छिंदवाड़ा, वो 29 सीटें बीजेपी इस बार आशा कर रही है कि सारी की सारी सीटें उसके पाले में आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पाले में भी, कांग्रेस खेमे में भी इस बात का इंतजार है कि अगर एक से ज्यादा सीटें भी आ जाती हैं, 2-3-4 सीटें भी अगर आ जाती हैं तो हो सकता है कि वहां जश्न जैसा माहौल आपको नजर आए। तो दोनों तरफ से आशाएं हैं, कॉन्फिडेंस भी है, और या कहें कि कॉन्फिडेंस भी एक तरफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आशाएं भी नजर आ रही हैं उन एग्जिट पोल को लेकर, जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 पार भी दिखाया जा रहा है, एक एग्जिट पोल 400 से ज्यादा सीटें भी दिखा रहा है। तो इस नजरिए से अगर हम बात करें तो बीजेपी खेमे में उत्साह भी है और यह उत्साह कुछ देर बाद नजर भी आने लगेगा जब 11 से 12 लगभग 3-4 घंटे बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, लगता है कि 3-4 घंटे बाद लगभग रुझान साफ होने लगेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं होगा क्योंकि जो पिछले चुनाव परिणाम रहे उससे कुछ बेहतर ही उन्हें इस बार के चुनाव परिणाम में मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि डेडिकेटेडली अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां चांसेस कम है, लेकिन देश में एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है।